Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Natasha Shah and welcome. जैसे कि आपको नाम से पता ही चल गया होगा कि आज का चैलेंज क्या होने वाला है, तो मैं आज आपको मेकअप के साथ साथ आपको अपना मेकअप बचाना भी सिखाऊंगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो फर्स्ट टोनर, क्योंकि ये वन पंप है तो मैं इसको थोड़ा सा एक बारी में जितना आएगा ये थोड़ा सा ही बूंद है, यही लेंगे हम. दिस मॉइस्चराइजर, सो हम इसको ओके वन पंप इसको भी जल्दी से लगा लेते हैं. ओके नेक्स्ट इज दिस सनस्क्रीन, तो इसका भी हम एक पंप ले लेते हैं. आई थिंक अभी तक तो सब कुछ ना बहुत ही इजी पीजी जा रहा है ना. लेट्स सी, थोड़ा नेक पे भी लगा लेते हैं. एंड यू कैन सी मुझे कितना टैन हो रखा है. गॉड कैसे जाएगा, कमेंट्स में जरूर बताना कि ये टैनिंग कैसे जाएगी. आई विल वेट फॉर योर सजेशंस. सो फॉर प्राइमर आई एम यूजिंग दिस शुगर कॉस्मेटिक का मोर मिनिमाइजिंग प्राइमर. इसको हम थोड़ा सा ले लेते हैं, वन पंप ओनली. ओके तो ये तो मेरे चीन के लिए भी नहीं बचा, बट ओके मैं मेरे पास एक्चुअली दो फाउंडेशन है जो पंप वाले निकलते हैं, लाइक एक ये है मिलानी का, एक ये फिटमी का है. तो मैं चाह रही हूँ कि मैं आज ये वाला यूज़ करूँ. आई थिंक ये मुझे थोड़ा ज़्यादा कवरेज देगा. सो पंप निकाल लेते हैं. ओके तो वन पंप में इतना निकला है, ज़्यादा नहीं निकला है. सो इसको लगाते हैं फेस पर एंड आई होप कि मुझे ये अच्छी कवरेज देगा. वैसे काफ़ी निकाला है मैंने, वन पम्प में ये काफ़ी निकल चुका है. नॉट बैड. आई थिंक मैंने काफ़ी अच्छा अमाउंट निकाला है जिससे मेरा फेस काफ़ी अच्छे से कवर हो रहा है. सो आई एम हैप्पी कि मेरा अभी तक तो मेरा चैलेंज बहुत ही मस्त जा रहा है. ओके सो अब हम कंसीलर करेंगे एंड ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर है. एंड आई थिंक ये सिर्फ एक ही पंप है तो मैं इसको एक ही बारी निकालूंगी, दोबारा डिप नहीं करूंगी. तो ये निकल चुका है और जितना इसमें आया मुझको उतना ही लगाना है. so. सो गाइज, क्योंकि मेरे पास आईब्रो के लिए आईब्रो पेंसिल है जिसका वन पंप का कोई सीन ही नहीं है, उसमें पंप होता ही नहीं है. तो मेरे पास ये है एंड आप लोग देख सकते हो इस पर मस्कारा में डिप करूँगी एंड देन इस पर जो भी प्रोडक्ट आएगा, लाइक कुछ भी प्रोडक्ट इसमें आएगा वो मैं अपने उससे मैं अपने आईब्रोज फिल करने जा रही हूँ. ज़्यादा ना हो जाए. ओके ओ माय गॉड, ये तो बहुत डार्क हो रहा है. पहले मैं थोड़ा इधर लगा लेती हूँ एंड थोड़ा इधर लगा लेती हूँ. सो पाउडर के लिए आई एम गोना यूज दिस NY बे का पाउडर, और ये क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया था लास्ट वीडियो में. तो यू कैन सी कि मैं इसका सारा एक्स्ट्रा निकाल देती हूँ जो भी इस पर है एंड मैं सिर्फ एक ही बारी इसको डिप करूँगी. तो और मैं इसको ऐसे डस्ट अप नहीं करने वाली हूँ क्योंकि कम हो जाएगा. तो मैं इसको अच्छे से अपने स्किन पर लगा देती हूँ और मुझे ये एक ही बार यूज़ करना, मैं इसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकती. हम लोग करेंगे अपना फेस कॉन्टोर. थोड़ा मैं ये ले लूँगी पैलेट जिसमें हमारा ब्लश ख़त्म हो चुका है एंड लेकिन हमारा हाइलाइटर एंड कॉन्टोर अभी भी बचा हुआ है. तो मैं अपना कॉन्टोर ब्रश ले लेती हूँ, इससे मैं एक बारी में ही इसको ले लेती हूँ. अच्छे से निकल, ओके ये काफ़ी निकल चुका है लेकिन मैं इसको डस्ट आउट नहीं करने वाली हूँ. हल्का इधर ले लूँगी पहले, इधर तो आई एम गोना यूज दिस ब्लू हेवन का शिमरी ब्लश, शिमर मैट ब्लश. तो मैं इसको ले लेती हूँ एंड मेरे को ज़्यादा नहीं लेना है. मैं ओ माय गॉड, क्या मैंने उठाया ब्रश. ओके सॉरी, अब मैं ये वाला ब्रश यूज़ नहीं करूँगी वरना आप लोग सोचोगे कि मैं चिटिंग कर रही हूँ. ये वाला ब्रश ले रही हूँ, इसमें आप लोग देख सकते हो कुछ भी नहीं है. ओके कुछ भी नहीं, आई एम नॉट चीटिंग. तो ये ब्रश ले लेती हूँ और एक बारी में ही जितना आएगा दैट इज इनफ, बस नथिंग एल्स.
स्विस ब्यूटी के ये दो पैलेट्स, क्योंकि मैं ज़्यादातर न्यूड मेकअप ही करती हूँ, बहुत ज़्यादा ग्लिटरी एंड शिमरी मेकअप मैं नहीं पसंद करती, सो मैं यही दोनों यूज़ करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ ब्रश। इस ब्रश में भी सेम टेक्निक ही यूज़ होगी। अभी मैं इससे सारा प्रोडक्ट निकाल देती हूँ, ये वाला शेड ले लेती हूँ और इससे अपने दोनों आइस को कवर कर लूँगा। इधर लेना है एंड थोड़ा इधर लेना है, मैं दोनों साइड लगा लूँ। यू कैन सी द पिगमेंटेशन को। मैं सबसे पहले तो मैं पूरे आईलिड पर अपने अच्छे से ब्लेंड कर। ओके, आई थिंक आई एम डन। सो मैं इसका एक्स्ट्रा निकाल देती हूँ, क्योंकि मेरे पे आई के जो ब्रशेस हैं वो हैं और भी हैं, लेकिन दूर है, वहाँ रखे हैं, मेरे को नहीं। दिस ब्राउन, ये ब्राउन वाला लेती हूँ और एक ही बारी में लेना है, तो मैं इसको अच्छे से एंड मैं इसको डस्ट आउट नहीं करूँगी। ओके, सो मेरे को क्या करना है, इसको मैं अपने साइड साइड थोड़ा पहले मैं यहाँ रख लेती हूँ, थोड़ा मैं यहाँ रख लेती हूँ। ओके, एंड देन आई एम गोना ब्लेंड दिस फ्रॉम आउटर कॉर्नर टू इनर कॉर्नर। थोड़ा सा मैंने यहाँ कर लिया, अब थोड़ा मैं इधर कर लेती हूँ, क्योंकि दोनों इक्वली होना चाहिए ना, कहीं ऐसा नहीं कि खत्म हो। मैं ये वाले शेड में जो ये पिंक है ना, इसको लेकर मैं अपने इनर को मैंने उठा दिया है। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू चीट, मैं इसी को लगाऊंगी। तो मैं इससे अपने इनर कॉर्नर्स करने वाली हूँ लाइक दिस। आई एम यूजिंग दिस मस्कारा, ये बॉबी ब्राउन का है, लेकिन ये रियल बॉबी ब्राउन नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दी, इसलिए मुझे गालियां मत देना। ये मैंने लोकल मार्केट से खरीदी थी बॉबी ब्राउन की, ये सस्ती है बहुत, इसमें बॉबी ब्राउन लिखा है इसीलिए बॉबी ब्राउन की बोल रही हूँ मैं। लेकिन गाइज ये बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। लाइक कभी कभी आप ना लोकल प्रोडक्ट्स भी इतने अच्छे अच्छे आपको मिल जाते हैं ना, मैं इसको तो बहुत अच्छे से यूज़ करती हूँ एंड ये ना बहुत अच्छी मुझे डेंस आई लैशेज देता है। मैंने जितना निकाला है एक बारी में, मैं उतना ही लगाने वाली हूँ। यू गाइस कैन सी, एक बारी में ही मज़ा आ जाता है मुझे ये लगा के। तो इसमें से जो बहुत सारे शेड है, इसमें से मैं ये वाइट वाला शेड ले लेती हूँ। ओके, अब मैंने इसको उठा दिया है, तो मैं और नहीं लगाऊंगी और मैं इसको जस्ट अपने इनर कॉर्नर पर लगाने वाली हूँ लाइक दिस। मैं अपने नाक को हाईलाइट नहीं करती, क्योंकि पता है मेरी नाक ना टेढ़ी है। यू गाइस, लिपस्टिक के लिए आई एम यूजिंग दिस वन एयर। मैं इसको एक ही बारी में निकालूंगी, जितना इस पे आएगा सिर्फ वही लगाना है मुझे। सो अच्छे से इसको लगा लेती हूँ। ओके, आई एम इन लव विद दिस शेड than enough. Nice. Oh my God, मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी तक मैं जितना मेकअप वीडियो करती थी, लाइक मुझे मेकअप करना इतना अच्छे से आता नहीं है, मैं बिल्कुल प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं जस्ट थोड़ा बहुत मेकअप कर लेती हूँ रील्स के लिए एंड वीडियोस के लिए, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक का बेस्ट मेकअप मैंने किया है ये थोड़े थोड़े प्रोडक्ट्स यूज करके। व्हाट यू गाइस थिंक, कॉमेंट में जरूर करके बताना। तो हम सेटिंग स्प्रे भी लगा लेते हैं एंड ये एक पंप है जस्ट। ओके, नाइस, मैंने ऐसे करके लगाया तो ऑब्वियसली गिरा तो है मेरे फेस। प्रोडक्ट ज़रूर बचाना चाहूँगी, मैं हमेशा इसी तरीके से वन पंप वाला ही मेकअप करूँगी, ताकि मेरे प्रोडक्ट्स भी बचे रहें एंड मेकअप भी अच्छा हो, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लग रहा है, ब्लश भी कम लगा है, जो कि मैं बहुत ज़्यादा लगाती हूँ। एक्चुअली मुझे ब्लश लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं ज़्यादा लगा देती हूँ, लेकिन आज वन पंप के चक्कर में बहुत अच्छा ब्लश लगा है, कॉन्टोर। थोड़ा नाक हमेशा ही ख़राब हो जाती है, क्योंकि मेरी नाक टेढ़ी है, उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बट ओके, ओवरऑल वी डिड द गुड जॉब। आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो को, और हाउ आई एम लुकिंग आफ्टर दिस मेकअप ज़रूर बताओ। ये चैलेंज पसंद आया हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कॉमेंट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने व्यूअर्स को, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को वीडियो भेजो, बहुत सारे वीडियोज़ भेजो, सारे वीडियोज़ भेज दो। टिल देन, बाय गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाई।